आज का जो वीडियो है थोड़ा सा अलग ही होने वाला है। ये मेरे पास है आईपैड। अब आप सोच रहे होंगे कि आपका भाई ने कौन सा वाला आईपैड परचेस कर लिया। फिलहाल ये तो है एक कवर इसके ऊपर की साइड में। अब इस कवर का जो वीडियो है वो आपको कुछ दिन बाद देखने को वैसे ही मिल जाएगा। ऑलराइट, ये है मेरा आईपैड, आप देख सकते हो। अब जो लोग जानते हैं आईपैड के बारे में उतना तो बताना नहीं पड़ेगा, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। दिस इज द आईपैड 9th Gen 2021 मॉडल। अब मैंने आईपैड 9th Gen क्यों परचेस किया फॉर माई सेल्फ, मैं आज के वीडियो में आपके साथ शेयर वाला। वैसे भी बॉक्स के अंदर क्या कुछ मिलता है वो सब कुछ दिखाएंगे। एंड एक जो ओपिनियन है वो मैं शेयर करने वाला हूं कि 2024 में आके क्या इस प्रोडक्ट को परचेस करने से हमारा जो प्रोडक्टिविटी है या फिर कुछ भी बताओ आपके हिसाब से वो निर्भर करता है, वो कैसा एक्सपीरियंस रहता है। वेल, मेरा नाम है जय, आप देख रहे हो टेक्नोजियोलॉजी। अगर ऐसे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हो, और फेसबुक से जो लोग वीडियो देख रहे हो भाई साहब फॉलो कर लो, नहीं तो ऐसे वीडियोस बाद में देखने को नहीं मिलेंगे। गाइस, ये जो आईपैड 9th Gen है इसके अंदर में आपको एप्पल का लेटेस्ट बायो A13 चिप देखने को मिलता है। हाँ, अभी भाई A16 का जमाना आ चुका है, बट मैं A13 को लेटेस्ट क्यों बता रहा हूँ। देखो, अभी के टाइम पे अगर देखते हो ना, इस प्राइस के अंदर में जितने भी टैबलेट्स मिलता है भाई, ऐसा परफॉर्मेंस आपको शायद ही किसी टैबलेट देता होगा। बात की जाए A13 बायोनिक चिप की, जो कि भाई 6 लाख से भी ज्यादा एंटूटु बेंचमार्क स्कोर आपको प्रोवाइड कर देता है। और टैब की दुनिया में इस प्राइस में 6 लाख का एंटूटु बेंचमार्क स्कोर शायद ही कोई ऐसा टैब है जो कि इस प्राइस में देता होगा आपको। अब बहुत लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि अनबॉक्सिंग वगैरह कहा गया, भाई इतना बग क्यों कर रहा है, चलते हैं अनबॉक्सिंग पे। तो बॉक्स जो है ये आपको कुछ ऐसे टाइम में देखने को मिलता है, आईपैड यहाँ पे लिखा है देख सकते हो, और बिल्कुल ही व्हाइट कलर में आता है। वैसे एप्पल के हर प्रोडक्ट्स व्हाइट कलर के पैकेजिंग के साथ ही आता है, जैसे कि आपको दिख रहा है। ये मेरे पास 64 GB वाला वेरिएंट अवेलेबल है, जैसे कि मैंने परचेज किया है। सेलुलर वर्शन नहीं है, ये वाईफाई वर्शन है। और सील जो था मैंने पहले से ही कुछ ओपन करके रखा था, ताकि मुझे देखना भी था मेरा प्रोडक्ट अंदर में है कि नहीं, क्योंकि भाई ये बहुत बड़ा चीज़ होता है। और यहाँ पे एप्पल का लोगो वगैरह आपको मिल जाएगा, और ये कुछ ऐसे स्लाइड करके आपको ऊपर से ओपन करना है, और यहाँ पे अंदर पे हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो आपको देखने को मिल जा रहा होगा। ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है फर्स्ट टाइम जब आप कोई एप्पल का प्रोडक्ट परचेस करते हो, एंड उस टाइम जब आप इसको अनबॉक्स करते हो, तो उससे बढ़िया यार खुशी यार मुझे नहीं लगता लाइफ में कुछ और है। यहाँ पे देख सकते हो मेड इन कैलिफोर्निया या फिर डिज़ाइन इन कैलिफोर्निया बता सकते हो, इसको असेंबल्ड अलग जगह होता है। इसके अंदर में थैंक गॉड इन लोगों ने जो चार्जर एंड जो लाइटनिंग पोर्ट वाला केबल दे के रखा है टाइप सी के साथ, वो भाई अवेलेबल है, नहीं तो हमें बाद में परचेज करना पड़ता है। ये चीज़ आईपैड्स के अंदर अच्छे आते हैं। और ये ना फास्ट चार्जर है एप्पल का, आपको पता रहना चाहिए, मे बी 20 वाट का फास्ट चार्जर ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। सो वो आपको इन द बॉक्स देखने को मिल जाता है। और ये जो है हमारा लाइटनिंग 2 Type-C केबल जो है, ये यार बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है दिखने में। क्या ये भी टोटली आपको पेपर वर्क के साथ ही देखने को मिलता है। एक चीज़ बहुत अच्छा है, इन लोगों ने भाई इको फ्रेंडली बना के रखा है सब कुछ, क्योंकि सब कुछ चीज़ें जो आपको देखने को मिलता है ना, कहीं पर भी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हर जगह पे आपको ये जो चीज़ें देखने को मिल रहा है ना, इको फ्रेंडली चीज़ें हैं, कागज़ से बना हुआ है सब कुछ। ओके, दिस इज़ आवर मेन प्रोडक्ट। और इसका सील जो है ये कुछ पीछे से ऐसे आपको ओपन करना है, और जो लोगो है भाई वो दिख के अलग ही सुकून लग जाता है। फर्स्ट टाइम ये मेरा एप्पल प्रोडक्ट है जिसको मैंने बाई किया है फॉर माई सेल्फ, और आप देख सकते हो ये कुछ दिखने में ऐसे टाइप का है। अब प्रोडक्ट को बूट करते हैं, ओ भाई लोगो आ गया अपना प्रोडक्ट जो मैं बहुत जल्दी सेटिंग वगैरह कर लेता हूँ, उसके बाद आते हैं फिर वीडियो पे। अब वैसे भी एक तो अच्छा चीज़ है कि इसके साथ आपको 20 वाट का जो चार्जर है वो देखने को मिल जाता है, जो कि आईफोन्स में आपको नहीं मिलता है, अलग से चार्जर परचेज करना पड़ता है। ये चीज़ बेस्ट है क्योंकि 20 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और बॉक्स में चार्जर है। देखो, मुझे वर्क पर्पज के लिए एक लैपटॉप चाहिए था। अब भाई मेरा बजट था 30,000 रुपया, तो 30,000 रुपया में अगर देखा जाए अभी के टाइम पे आपको वही इंटेल का i3 तो मिल जाता है और Ryzen 3 मिल जाता है। अगर बहुत ज्यादा रिसर्च कर लेते हो तो i5 वाले लैपटॉप आपको मिल जाते हैं, बट वो भी उतने अच्छे आपको परफॉर्मेंस निकाल के नहीं देते। फिर मैंने क्या किया, टैब जो है उनमें सर्च करना शुरू किया, और फिर जाके मुझे आईपैड दिखा। अभी के टाइम पे इसमें जो चिपसेट लगा हुआ है, जैसे कि बताया हर पर्पस के लिए आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस स्कोर देखने को मिलता है बायोनिक A13 में, जो कि अभी अगर देखा जाए मेरे कोई भी फोन को इजिली बीट कर सकता है। मैंने वीडियोज रेंडर करके देखे, मैंने गेम्स वगैरह भी खेल के देखे, बट उतना ज्यादा गेम्स में नहीं खेलता हूँ। फिर भी आप इसमें भाई कॉल ऑफ ड्यूटी फुल सेटिंग्स में हाई फ्रेम रेट में खेल सकते हो। सीधी सी बात में बताओ तो भाई 50,000 से 60,000 में जितने भी लैपटॉप्स आपको मिलते हैं आज के जमाने में, उनको ये इजीली तरीके से बीट कर सकता है। इसमें जो रैम आपको देखने को मिलता है वो 3 GB का है। अब बहुत लोग सोचेंगे भाई 3 GB का रैम, मेरे भाई ये एप्पल का डिवाइस है। अब इसमें ना 2 वेरिएंट आते हैं, पहला जो है 64 GB वेरिएंट आता है, दूसरा 256 GB का अपर वेरिएंट आता है। मेरे पास ये जो वेरिएंट है ये 64 GB वाला वेरिएंट है। और एक भी चीज है वाईफाई सेलुलर, आप बोल सकते हो, तो सेलुलर वाला मैंने नहीं लिया, मुझे वाईफाई वाला शूट करता है। लिटरली बता रहा हूं, रेगुलर
पर्टिकुलर टास्क में ज्यादा से ज्यादातर मल्टी टास्किंग में अगर आप देखते हो जो परफॉर्मेंस है वो अलग ही टाइप का निकल के आता है। स्पेशली इनके जो आईपैड ओएस होते हैं वो आईओएस से बहुत ज्यादा मिलता है। ऐप क्लोजिंग एनिमेशन, ऐप ओपनिंग एनिमेशन या फिर कोई भी जगह पे लैग मुझे इसमें देखने को नहीं मिला। एंड यार 15 से 16 दिन मुझे हो चुके हैं इसको इस्तेमाल करते हुए। अब पहली तो बात यह है कि बता दो ये 9th जनरेशन है, सो इसके अंदर टाइप सी पोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता, इसमें आपको लाइटनिंग पोर्ट मिलता है। सो ये ड्रॉबैक हो सकता है किसी किसी व्यक्ति के लिए, बट मैं 10th जन के बारे में या फिर उसके अपर वाले वेरिएंट के बारे में बात करूं तो टाइप सी पोर्ट से घंटा आपको कुछ फर्क नहीं देखने को मिलने वाला, क्योंकि उसमें जो टाइप सी पोर्ट दिया गया है उसमें उतना ज्यादा अच्छा ट्रांसफर स्पीड देखने को नहीं मिलता। और मैं टाइप सी पोर्ट से ट्रांसफर भी नहीं करता, मुझे वायरलेसली भाई ऐप के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है वाईफाई के थ्रू। दूसरी चीज है इसके अंदर आपको टच आईडी देखने को मिलता है, बाकी के जितने भी आते हैं 10th जन वगैरह उनमें अलग प्रोसेसिंग है। और इसका टच आईडी एक्यूरेट और फास्ट भी है, जितना बार मैं कोशिश करता हूं ये बहुत इजीली तरीके से मेरे आईपैड को ओपन कर देता है। गाइस जो डिस्प्ले यहां पे आपको देखने को मिलता है ये 10.2 इंच का एक फुल एचडी प्लस प्लस रिजोल्यूशन का डिस्प्ले है। अब मैं फुल एचडी प्लस प्लस की बता रहा हूं, 2116x1620 का रिजोल्यूशन मैक्सिमम आपको यहां पे देखने को मिलता है, जो कि प्लस प्लस आप बता सकते। ये एक आईपीएस डिस्प्ले है और इसमें आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। डेली लाइफ में मैंने इस्तेमाल किया है, मैंने हर वर्क के टाइम पे इसको इस्तेमाल किया है, स्पेशली इंडोर के टाइम पे ना आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा भाई, बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। दूसरा जो चीज है मैंने आउटडोर पे इसको इस्तेमाल किया है डायरेक्ट सनलाइट पे, इसमें 500 nits का मैक्सिमम ब्राइटनेस देखने को मिलता है। आईपैड के डिस्प्ले में आपको 500 nits का ब्राइटनेस थोड़ा सा बेटर लगता है क्योंकि उनका ऑप्टिमाइजेशन बहुत बेटर है और लिटरली मुझे कभी भी सनलाइट में दिक्कत देखने को नहीं मिला। अब उतना डिटेल्स में तो नहीं चल रहा हूं, बाकी इसके कैमरास के बारे में मैं बता देता हूं थोड़ा। देखो 8th जनरेशन में पीछे के साइड में आपको सिर्फ और सिर्फ 8 megapixel और 5 megapixel के कैमरास वगैरह देखने को मिलते थे, बट इस बार इन लोगों ने बहुत ही बड़े चेंजेस करके रखे हैं। अगर आप देखते हो कैमरा एप्लीकेशन के अंदर जाके तो यहाँ पे फ्रंट में आपको इस बार 12 megapixel का कैमरा देके रखा है। मेन जो चीज ये है कि ये वाइड एंगल सेंसर है, तो इसके मदद से आप कहीं पर भी फोटोज वगैरह वाइड शूट कर सकते हो। और बहुत ही बड़ा जंप है भाई, 8 megapixel पहले मिले करते थे, अभी 12 megapixel का जंप किया है और क्वालिटी में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। जो फोटोज वगैरह है वो बहुत ही शार्प निकल के आते हैं, वीडियो कॉलिंग के लिए दिया हुआ है बट फिर भी आप इससे 1080p 60fps तक वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हो। मैंने वाइड एंगल वीडियो भी शूट करके देखा, मैंने नॉर्मल वीडियो भी शूट करके देखा, फोटोज के क्वालिटीज, कलर्स, एक्यूरेसी एकदम नेचुरल टोन निकल के आते हैं और बहुत ही बढ़िया सेल्फीज आप इससे निकाल सकते हो। बहुत सारे लोगों का डाउट ये होगा कि भाई थोड़ा सा फट के नहीं आ रहा है, देखो अपने छोटे से फोन में अगर आप इस फोटो को ट्रांसफर करके देखते हो तब भाई आपको पिक्सेल डेंसिटी उतना समझ नहीं आएगा, क्योंकि एक 10.2 इंच का बड़ा स्क्रीन है तो आपको भाई डिफरेंशिएट तो होना ही पड़ेगा इसके साथ। एप्पल वालों ने इस फ्रंट कैमरा में दिया है सेंटर स्टेज का फीचर। अब आपको पता रहना चाहिए सेंटर स्टेज क्या होता है। सेंटर स्टेज मतलब गिम्बल टाइप का एक्सपीरियंस, मैं उतना प्रैक्टिकली नहीं दिखा रहा हूं बट बता दे रहा हूं। जो फ्रंट कैमरा है अगर आप किसी से वीडियो कॉलिंग करते हो या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो उस टाइम पे सेंटर स्टेज जो है आपको ट्रैक करेगा, थोड़ा सा क्रॉप कर लेता है फिर ट्रैक करने लगता है। उस टाइम पे आप जहां पर भी मूव करोगे कैमरा ना वहां पर मूव करने लगता है, तो एक गिम्बल टाइप का एक्सपीरियंस होता है, वो इसके फ्रंट कैमरा पर है। दिस इज द बिगेस्ट अपडेट। एंड या बैक जो कैमरा आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे जो आपको बैक सेंसर है ये 8 megapixel का कैमरा है, बैक से भी आप बहुत ही बढ़िया फोटोज वीडियोस निकाल सकते हो और यहाँ पर भी आपको 1080p वीडियोस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट जो बिगेस्ट चेंजेस है इस पैड के अंदर में वो मुझे लगा कि बैटरी बैकअप। अब देखो मैं जैसे कि बता रहा था 15-16 दिन हो चुके इसको इस्तेमाल करते हुए, मुझे लगता है मैंने 3 बार इसको चार्ज किया 15-16 दिन में। अब आप बैटरी बैकअप समझ सकते हो, इस आईपैड के अंदर में आपको 8557mAh का बैटरी डाल के रखा है एप्पल वालों ने, जो कि एक बीस्ट बैटरी बैकअप निकल के देता है। कंटिन्यूअस यूजर्स में आपको 10 आवर का बैकअप मिल जाता है वाईफाई मॉडल में। सेलुलर मॉडल में इन लोगों ने बोल के रखा है कि भाई 9.1 आवर का बैटरी बैकअप वगैरह मिल जाता है, बट मैं बताऊंगा सेलुलर से ज्यादा वाईफाई मॉडल पे जाओ, बिकॉज उसमें बैटरी बैकअप भाई बहुत ही ज्यादा धासो मिल जाता है। एक सोने पे सुहागा है वो है चार्जर 20W का, जो कि बॉक्स में मिल जाता है और ये चार्ज कर देता है। मुझे इसको फुल चार्ज करने में करीबन 3 घंटा टाइम लगा, पूरा पक्का 3 घंटा है। इसका चार्जर एक्सेसरीज भी बहुत जल्दी रिव्यू करने वाला हूं, इसके साथ ये जो है मैंने परचेस किया था इसका भी रिव्यू बहुत जल्दी आएगा, स्पेशली एक ट्रैक पैड के साथ मैंने कीबोर्ड भी परचेस किया, इसका नाम बाद में जाके बताएंगे, वो वीडियो भी बहुत जल्दी आ रहा है मेरे चैनल के अंदर। मुझे इस पैड के अंदर 2-3 चीजें बहुत अच्छी लगी। पहली तो बात है ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि इसके ऊपर में आपको एल्युमिनियम बॉडी देखने को मिल जाता है, पूरा एल्युमिनियम का ही बॉडी है, साथ ही साथ यहां पे जो एप्पल का लोगो वो तो भाई अलग ही क्रेज बनाता है। तीसरा चीज यह है यहां पर आपको एक 3.5mm ऑडियो जैक देखने को मिलता है, जो कि अभी के टाइम पे जितने भी टैब आते हैं उनमें अभी मिसिंग है।
यहाँ पर इन लोगों ने एक नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन भी देख रखा है जो कि भाई बहुत ही बढ़िया काम करता है। और यहाँ पे स्टेरियो स्पीकर्स भी आपको देखने को मिल जाता है जो कि काफी लाउड है और बेस भी इनका बहुत अच्छे निकल के आते हैं। और यहाँ पे आपको टच मैग्नेट भी देखने को मिल जाता है जिससे आप अपने एप्पल पेंसिल को चार्ज भी कर सकते। अब मैं कितने पैसों से इसको परचेज किया उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको शेयर कर देता हूँ, और क्यों इसको परचेज किया वो तो मैंने पहले ही बता दिया। अब इसको टोटल मैंने परचेज किया, कॉस्ट में निकल के आया 26,000 रुपीज का और ये ऑफर में मुझे पड़ा है। लेकिन नॉर्मली अगर आप इसको अभी परचेज करने जाते हो 29,000 रुपीज का आपको पड़ जाएगा, बट सेल वगैरह पे ये आपको 25 में भी कभी कभार देखने को मिल जाता है। इस प्राइस के अंदर में जो परफॉर्मेंस, जो ओएस और जो कैमरा क्वालिटी या फिर प्रोडक्टिव काम के लिए जो जो चीजें मुझे ये ऑफर कर रहा है वो मुझे नहीं लगता कोई विंडोज में, कोई एंड्रॉइड टैबलेट में मुझे देखने को मिलेगा आज के दिनों में। और एप्पल का भरोसा जो है वो तो भाई सभी लोगों को पता ही है। सब कुछ मिला के ओवरऑल अगर मेरा 30,000 रुपया मैंने इन्वेस्ट किया है वो मुझे सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा आईपैड 9 जेन के ऊपर। आप 10 जेन पे भी जा सकते हो बट उसका प्राइस भी थोड़ा सा ज्यादा ही हाई है। ये लिटरली एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। देखो दो तीन चीजें रिकमेंड करना चाहता हूं। पहली तो बात यह है ये बहुत ज्यादा स्लिपरी है तो थोड़ा बहुत इसका एक कवर सबसे पहले परचेज कर लेना, और इसके ऊपर में एक बड़ा सा स्क्रीन मिल जाता है सो इसके लिए एक स्क्रीन कार्ड अच्छा वाला मंगवा लेना अपने लिए। बाकी भाई बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है और मुझे यूज करते हुए तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, और इसके बहुत सारे सीरीज वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पे। वैसे ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप आईपैड लेने में इच्छुक हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से परचेज कर सकते हो जिससे मुझे थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। बाकी मिलता है दूसरी सीरीज की वीडियोस में आपके साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।